हे गाइस, जुले नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू येट अनदर कुंजस व्लॉग। होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। वेल गाइस, अभी टाइम बज चुके हैं सुबह के 4 एंड हम लोग उठ चुके हैं जाने के लिए रेलवे स्टेशन। तो सारा सामान हम लेके आ चुके हैं बाहर। जैसे कि आप देख सकते हो, मेरा बैग जो है कितना उत्सुकता से बैठे है, बोलते हैं ले जाओ मुझे, ले जाओ बोध गया से ले जाओ। तो हम चल पड़े हैं एंड हमारे ऑटो भी आ चुके हैं अभी बाहर। थोड़ा कुछ सामान था, सारे सामान लाने गए हैं अंदर। धुंध जो है बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, धुंध ही धुंध है। फाइनली आप क्या ही बोले, बिहार को अलविदा कहने की बारी आ चुकी है। सो बाय बाय बिहार, बाय बिहार। एंड हमारा ऑटो जो है वो स्टार्ट हो गया। 1 2 3 एंड हियर वी गो। धुंध देखो यार, धुंध, ओ माय गॉड। मैं ड्राइवर को देख के परेशान थी कि ये कैसे चला रहा था, क्योंकि लिटरली यार मैं भी आगे बैठी थी तो मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था, ड्राइवर को कैसे नज़र आ रहा था। एंड हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन। मालगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक करते सारे जा रहे हैं। तो बोधगया जंक्शन पे हम इस वक्त पहुँच चुके हैं एंड सुबह 4 बजे के निकले थे और अभी टाइम बज रहे 6। तो 6 बजे भी धुंध जो है वो हटने का नाम व निशान नहीं ले रहा है। और ये रहा हमारा सामान, लावारिसों की तरह पड़ा है। एंड मम्मा देखो कैसे एक तो पतला सा कंबल वेयर करके बैठी है, एंड पापा को तो ठंड मत पूछो कितने लग रहे हैं। सब लोगों ने कुछ ना कुछ तो वेयर करा हुआ है, मैंने एक मोटा सा जैकेट वेयर करा है। बस हियर इज मी, हाय एवरीवन। एज यूजुअल आपको बता कि हम रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं एंड हम आज जो है वो जाने वाले हैं रेलवे स्टेशन टू गोरखपुर। अब कितने बजे हम वहाँ पहुँचेंगे वो मुझे भी नहीं पता है, बाकी देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। तो मैं इतनी मेहनत से ब्लॉग बना रहे हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे दिया है सब्सक्राइब बटन, करो ना फटाफट से सब्सक्राइब। तो फ़िलहाल हम कर रहे हैं ट्रेन का वेट एंड 7 बजे है हमारी ट्रेन। अब ये टाइम जो है वो 6:30 के आसपास है। हाफ एन आवर और वेट करना पड़ेगा, उसके बाद हमारी ट्रेन आ जाएगी एंड देन वी विल गो। तो बाय बाय बिहार। गाइस, 7 मिनट्स लेफ्ट, हमारी ट्रेन जो है वो आने वाली है। आप देख सकते हो जब हम यहाँ रेलवे स्टेशन पर आए थे तब कितना अंधेरा था एंड फॉग तो इतना ज़्यादा था ना, मैं आपको क्या ही बोलूँ, इतनी सर्दी। हम अपने रूम से यहाँ रेलवे स्टेशन तक पहुँचे तो मतलब सीरियसली यार, मेरा एक पाँव जो था वो ऑटो के बाहर था, वो तो पूरा गीला हो गया। आप ये जैकेट भी देख सकते हो, पूरी गीली हो गई है, उसकी वजह से, फॉग की वजह से हुआ है गीला। अभी जैसे जैसे सवेरा हो रहा है वैसे वैसे अभी थोड़ा थोड़ा ये फॉग जो है वो कम हो रहा है। यार बिहार में अगर ऐसे ही फॉग रहा ना, मरने वाले हैं सारे, बहुत ज़्यादा सर्दी है। ये फॉग तो हमारे बर्फ़ से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, हमारे पहाड़ों की बर्फ़ फिर भी अच्छी है, ये फॉग तो बिल्कुल सीधा हड्डियों में जाती है। काफ़ी देर वेट करने के बाद आखिरकार हमारी ट्रेन आ गई है, रेलगाड़ी चुक चुक चुक, पानी पीना लुप लुप लुप, आ गई हमारी रेलगाड़ी वहाँ से। एंड सब लोग अब चौकन्ने हो रहे हैं, यार रेलगाड़ी आ रही तो फटाक से चढ़ना है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि हमारी ट्रेन रिजर्व है, हमारी सीट रिजर्व है। तो भाई साहब चढ़ गए सबसे ऊपर। मैं परेशान हूँ कि ऊपर वाले कैसे सो जाते हैं, मतलब मुझे तो बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं होता है। तो दूसरी वाली सबसे टॉप पे चढ़ी है मेरी माता जी माता चढ़ी है वहाँ पर। एंड मैं और पापा तो नीचे ही बैठे थे तो हम लग गए, हमने थुप्पा बना के लाया था सिंह थुप। बस फिर अब हम देखेंगे। तो बाय 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 बिहार वंस अगेन, फिर बाय, देखते हैं अगर ऊपर वाले ने चाहा तो अगले साल फिर से मिलेंगे। ठंड बहुत ज़्यादा थी तो हमने सोचा था चाय की जगह चलो थुप्पा ही पी लिया जाए, जो हम रूम से बना के लाए थे थर्मस में। तो एंजॉय कर रहे हैं हम थुप्पा। चलो यार आप सो जाओ, फटाफट से कंबल ले लो। एंड पापा सोच रहा है कि मैं इस पे सो जाऊं कि नहीं, पापा को ऐसे खड़े खड़े बैठना, मतलब पापा कह रहे थे मैं, मुझे सोना नहीं है। फिर थोड़ी देर सोने के बाद उठे एंड मैंने नाश्ता किया सुबह का, जो कि हम रूम से बना के लाए थे, रोटी सब्ज़ी एंड अंडा,
ये तीन चीज़ें हम बना के लाए थे। तो मैं बस नाश्ता कर रही हूँ, बाकी सब ने कर लिया, मैं थोड़ा लेट कर रही थी क्योंकि मैं सो गई थी, तो मैं अकेले ही अभी नाश्ता कर रही हूँ। तो गाइस नाश्ता करने के बाद फाइनली शाम के 5 बजे हो गए हैं एंड हम पहुंच चुके हैं अभी गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो हियर वी गो, हम उतर चुके हैं प्लेटफॉर्म पे एंड अभी हम अब जाएंगे, फिर देखते हैं इसके बाद हमारा कहां के लिए जाना बनता है क्योंकि हमारा कोई फिक्स प्लान नहीं है, रैंडमली इधर चलो उधर चलो वो वाला सीन चल रहा है। तो चलो ये रहा गोरखपुर रेलवे स्टेशन का बाहर का व्यू जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है एंड लेट्स सी अब हम कहाँ कहाँ जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अकॉर्डिंग टू अवर गाइड अभी हम जाएंगे कुशीनगर, तो देखते हैं बाहर जाके हम लोग कुछ टैक्सी करते हैं या कुछ। तो पहुँच चुके हैं हम टैक्सी स्टैंड पे, बहुत टैक्सी ढूँढा नहीं मिला, लेकिन आजकल सीज़न चल रहा है तो समझ में नहीं आ रहा। तब तक के लिए हमने यादव होटल देखा तो सोचा चलो यार पेट पूजा ही कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा भूख भी लगी है, सुबह के एक एक फुल्का खाया वही बैठे हैं। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर लंच करने, माँ पापा तो ऑलरेडी बैठ चुके हैं। हमने थाली ऑर्डर किया था सबने, तो थाली तो खा लिया एंड अब हम चल पड़े यहाँ से। तो रेलवे स्टेशन से काफ़ी आगे चल पड़े क्योंकि जो छोटे छोटे मतलब टैक्सीज वगैरह थे वो अब सीज़न के टाइम पे बहुत ज़्यादा किराया बोल रहे थे जो कि हमें उचित नहीं लगा उनको उतना देना। फिर हम आगे की तरफ चल पड़े, आगे अब बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं, हमने सोचा क्यों ना फिर हम बस ही लें। फिर एक टैक्सी वाले भैया बार बार पीछे आ गए कि नहीं भैया इतने दे दो इतने दे लो। अब कुशीनगर जाना था, नज़दीकी था, फिर भी बहुत ज़्यादा रेट बोल रहे थे। फिर आखिरकार हमने इसको बाय बाय कह दिया एंड फिर हम चल पड़े आगे की तरफ, बोझा ले लेके आगे की तरफ चल पड़े। यार गाड़ी थी तो बड़ी सेक्सी यार। तो चलो जी बोझा ले लेके चलो, अब जहाँ जहाँ जाए यार बोझा लेके पैदल तो चलना ही पड़ता है। तो फाइनली गाइस हम बस के पास पहुँच चुके, यूपी का बस कुछ इस तरीके का दिखता है एंड यहाँ पे मैं सो गई हूँ। देखो मुझे नींद बहुत ज़्यादा आई थी तो मैं सो गई हूँ, तब तक मेरा ये शॉट जो है मेरे साथी ने ले लिया है। सो गाइस हम फाइनली काफ़ी देर सफ़र करने के बाद सुबह के 4 बजे हम अपने रूम से निकले गए थे, बोधगया बिहार से निकले थे एंड शाम के 5 बजे हम गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पहुँचे थे। तो वहाँ से अब 5 बजे निकले तो अभी देर रात जो है 8-9 बजे के आसपास हम कुशीनगर अपने मंजिल की ओर पहुँच चुके हैं। तो सामने वाले इस पे मतलब लिखा हुआ है वेलकम महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर, तो हम अभी जा रहे हैं यहाँ पे एंड हमें होटल्स, तो होटल में तो हम नहीं रुके, हम यहाँ पे म्यांमार वालों का एक मोनेस्ट्री है वहाँ पे रुके और अभी सामने हम आए हैं डिनर करने के लिए। एज़ यूजुअल कह सकते हो आप, देखो यार सारे थके हारे हुए हैं एंड मैंने अपने लिए डिनर में ऑर्डर किया राइस एंड चिकन करी, तो बाकी सब ने पिया थुप्पा, चिकन थुप्पा, मामा पापा ने चिकन थुप्पा।